पाकिस्तान और चीन आपसी दोस्त हैं, पर अब भारत ने जो किया है उसको लेकर शायद अब पाकिस्तान में और चीन दोनों जगह ही डर का माहौल होना चाहिए। क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। मोदी सरकार ने एक बार एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें भारत अब डिफेंस इक्विपमेंट्स जैसे कि वॉरशिप और एयरक्राफ्ट खरीदेगा। इसमें 1.45 लाख करोड़ का खर्च आएगा। इस तरह से नए जो है व्हीकल्स लिए जाएंगे, एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जाएगा और 228 एयरक्राफ्ट का भी खरीदारी जो है इसमें होगी। ये जो है डिसीजन चाइना और पाकिस्तान को चिंता में डाल सकता है क्योंकि भारत ने मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है। भारत ने फॉरेन पॉलिसी से ज़्यादा इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग हो गई है। पहले कुछ ही देश जैसे यूएसए, फ्रांस और रशिया के साथ डिफेंस डील होती थी, पर अब भारत नए देशों के साथ भी इस डील को कर रहा है और अपनी जो है मजबूती को और उस पर पकड़ बना रहा है और उसको मजबूत भी कर रहा है। मोदी सरकार का टारगेट है कि आगे चल चलकर भारत डिफेंस के सेक्टर में काफ़ी अच्छा मजबूत हो जाए। अगले 5 सालों में भारत अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स खुद मैन्युफैक्चर करेगा और फॉरेन को जो है देशों में सप्लाई भी करेगा। इससे भारत और मजबूती की तरफ जाएगा और विकासशील जो है विकासशील से विकसित देश बनने की कोशिश में अग्रसर होगा। पर इसको लेकर अब मोदी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। इससे चीन और पाकिस्तान में चिंता हो सकती है क्योंकि चीन जो है पाकिस्तान का दोस्त है और पाकिस्तान जो लगातार भारत पर हमले करवाता रहता है। इसको लेकर अब अगर ये खबर वहाँ पहुँचेगी तो इससे उन दोनों जगहों में चिंता और भी बढ़ सकती है क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से हमला लगातार हो रहा था आतंकवादी, पर अब इस तरीके से अपने देश में इक्विपमेंट्स खुद मैन्युफैक्चर करेगा भारत। इस खबर के साथ अगर पाकिस्तान इस खबर को सुनता है तो उसके लिए चिंता का विषय हो सकता है। पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।